हमको आपके ऑलरेडी सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि हम लेके आए हैं आपके लिए सच्चे दोस्त की कहानी। अगर आपको भी हमारे सच्चे दोस्त बनना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। और हाँ, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ वो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके उसको ग्रे कर दे और हमारे सच्चे दोस्त बन जाए। और हाँ, जिसका ऑलरेडी ग्रे है वो तो हमारा ऑलरेडी सच्चे दोस्त है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। करूं या नहीं करूं? आज तो मैं उसे फोन बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आज फ्रेंडशिप डे है, उसे भी तो समझना चाहिए ना कि वो भी तो नहीं कर सकती ना मुझे तो फोन। तुम्हें तो पता ही है हम है बनिए, और मैं 4 दिन पुराना न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ता हूँ, न्यूज तो न्यूज होती है ना, और 4 दिन पुराना न्यूज़पेपर पता है वो रद्दी वाला ना बहुत सस्ते में दे देता है, और फिर तुम्हें तो पता ही है मेरे को पैसे बचाने का कितना शौक है ना। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। अरे ऐसा जितना सुंदर तुम्हें चेहरा बनाती हो इतना स्वादिष्ट कभी खाना भी बना लिया करो। इतना नाराज मत हो, और एक बात बताओ, आज तो फ्रेंडशिप डे है तो आज तो तुम्हारी फ्रेंड्स भी आ रही होंगी। आपको बड़ी फिक्र है मेरे फ्रेंड्स की। आज खाने में अच्छा अच्छा जो मिलेगा इतना। हाँ हाँ, जैसे रोज तो मैं आपको जहर के साथ सूखी रोटी दे देती हूँ ना खाने के लिए। और हाँ, मुँह से तारीफ नहीं निकलती तो कम से कम बुराई तो मत किया करो ना। देखो इश्ना, मैं सिविल इंजीनियर तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी तारीफों के पुल में अच्छे से बांध सकता हूँ। अरे इश्ना ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, जिनी का तो मुझे पता है कि वो मेरी फ्रेंड के साथ गई है, लेकिन मेरी प्रिंसेस का है ध्वनि रानी। सुबह से ना वो खुलाए बैठी हुई है अंदर, डॉली और उसका झगड़ा हो गया है, वो बिल्कुल ही चुपचाप बैठी हुई है, अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, मैं जाके देखता हूँ। सुनो, तुम दोनों की ना फ्रेंडशिप मत करा देना, बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छूटा है। कोई बात नहीं, चलो ना देखते हैं। चलो किया था ना, इतना सबको पसंद आया। और पता है सुरेश के पापा ने क्या बोला?
हंसोगी तो नहीं ना? हंसोगी तो नहीं ना? पक्का? उसने कहा बेटा नागिन नाच कब तक करोगे, नागमणि लेके मानोगे क्या? और हाँ धोनी बेटा, दोस्त कितने भी रूठ जाए उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि दोस्ती बहुत जरूरी है और वो जानते हैं हमारे सारे राज, कभी बाद में महंगा ना पड़ जाए। नहीं बेटा नहीं ध्वनि, आप इस बार डॉली को सॉरी बोलने बिल्कुल नहीं जाओगे। फ्रेंडशिप इज नॉट अबाउट सॉरी, इट्स ऑल अबाउट सारी गलती से। इन्हें बच्चों की लड़ाई में तुम्हें क्या मिल रहा है? बच्चों को फ्रेंडशिप डे मनाने दो ना, और ना इतना दिमाग मत लगाया करो, जितना है उतना ही लगाओ। ऐसा है, मैं तो उतना ही लगा रही हूँ, और अगर मुझे दूसरा दिमाग लगाना भी होगा ना तो मैं आपके दिमाग यूज करूंगी। चलो ध्वनि, मम्मी ने मान लिया कि मेरा दिमाग जीनियस का दिमाग है। ऐसा है, मुझे ना ऐसा दिमाग चाहिए जो कभी यूज ही ना हुआ। अरे अब इसका फोन आ गया। वाओ डॉली का फोन, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे तो पता ही था ये मुझे सॉरी बोलने के लिए फोन तो करेगी। बोलो बोलो अब बोलो, दो दोस्तों की दुश्मन ध्वनि बेटा कोई बात नहीं, तू बात कर अपनी फ्रेंड डॉली से। हेलो ध्वनि, मुझे एक काम था। अरे नहीं बाबा, मुझे तुझसे एक काम था। देखा कितनी सेल्फिश है। बस के पीछे ट्रक, ट्रक के पीछे डॉली। काम करवाने से पहले डॉली तुमको बोलना पड़ेगा हमें सॉरी। देखा मैंने कहा था ना, ये लड़की कतई सेल्फिश है। कैसे काम याद आ गया तो हमारी ध्वनि भी उसको याद आ गई। अरे अब कौन आ गया? और जिरी तो इतनी जल्दी आने नहीं वाली पार्टी करने के लिए। चलो मैं चलकर देखता हूँ। चलो मैं भी देखती हूँ कौन है। कौन हो सकता है? पता ही नहीं कौन। अरे जिनी, जिनी, अरे जिनी क्या हुआ? जिनी क्या हो गया बेटा? अरे जिनी, जिनी, जिनी बेटा कुछ तो बोल, क्या हुआ? जिनी क्या हो गया बेटू? पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया मेरे दोस्तों ने, बस पूछो मैं क्या नहीं किया। ठीक है जो नहीं पूछती, मन हो तो बता दे। और वो स्वीटी है ना, मन तो बन रहा है केक के अंदर ही उसका मुंह डाल दूं। अरे क्या हुआ इसे? ओहो क्या हो गया हमारे दोनों बच्चों के साथ? कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई हमारे दोनों बच्चों को? आज का दिन ही खराब है, हमें अपने दोनों बच्चों के लिए ना कुछ करना पड़ेगा, वरना दोनों का मुंह ऐसे ही लटका रहेगा। जिनी बेटा यही तो होती है असली फ्रेंडशिप, अगर ध्वनि कुछ अच्छा करे तो जिनी को दिल से बहुत अच्छा लगेगा, और अगर जिनी कुछ अच्छा करेगी तो ध्वनि को तो इतना मजा आएगा, मतलब मैं क्या ही कहूँ तुम्हें। और हाँ जिनी ध्वनि, तुम्हारे 10 सेल्फिश और स्वार्थी दोस्तों से अच्छा है तुम्हारा एक ही सच्चा दोस्त हो, और तुम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे की सक्सेस चाहते हो।
ये मम्मी ने पहली बार कभी सही बात की और समझदारी वाली, वरना तो मैं मम्मी के मुंह से ना सही और समझदारी वाली बात सुनने के लिए तरस गया था। ध्वनि तुम्हें याद है मेरी बचपन की फ्रेंड तन्नुमासी और अन्नुमासी? हाँ हाँ मम्मी मेरे को याद है। तुम्हें पता है उनके पेरेंट्स ना बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। उन दोनों का पूरी दुनिया में कोई नहीं, वो एक दूसरे के लिए अपना ही सहारा है, और आज देखो एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है। अरे वाह मम्मी, आज से बेस्ट सिस्टर होने के साथ साथ मेरी बेस्टी भी ध्वनि है। दीदी अभी तो दोस्ती शुरू हुई है, वक्त आने पे फर्ज भी निभाएंगे। तो देखा बच्चों, सच्चा दोस्त तो आपका घर में ही निकला। आप उसके साथ खेल सकते हो, आप उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसके साथ फ्रेंडशिप डे भी मना सकते हो। तो वी होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।